नमस्कार दोस्तों मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आइए जो पैंतीस वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे इनके सवालों का जवाब करेंगे तो सर प्रथम इनके सवालों को सुनेंगे फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेलैकन को प्रेस कर दे ताकि रीडर्स नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो चलिए शुरू करते हैं इनका क्वेश्चन इस प्रकार है वर्तमान समय में इनका रियल स्टेट का काम है विगत पिछले कुछ वर्षों से इन्होंने काफ़ी समस्याओं को देखा है तो आगे वाला जीवन कैसा रहेगा अच्छा रहेगा कि खराब रहेगा अब कोई समस्या तो नहीं और हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है उस विषय पर जानना है और क्या बता रही है इनकी हथेली क्या क्या इंडिकेट कर रही है इनकी हथेली इस महत्वपूर्ण विषय पर भी इनको जानना है तो आप बिल्कुल चिंता ना करें आपके क्वेश्चन को मैंने गहराई पूर्वक सुन लिया है अब बताने का कोशिश करूंगा जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी हर महत्वपूर्ण विषय पर विचार करेंगे महत्वपूर्ण तरीके से विचार करेंगे तो अगर मैं पॉजिटिव चीज की बात कर लूं तो बेहद शानदार पॉजिटिविटी है बहुत कमाल की इनके ग्रहों की स्थिति है इस प्रकार के ग्रहों की स्थिति अगर आपके किसी व्यक्ति के तली पर अवस्थित होता है तो ऐसे व्यक्ति का जीवन बहुत कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है जिंदगी पर बहुत ज्यादा पैसे आते हैं धन को लेकर विशेष कोई दिक्कत नहीं रहता है इस बात की गारंटी है तो यह बिल्कुल सामान्य अवस्था नहीं मानी जाएगी इसको आप गहराई पूर्वक समझने का कोशिश करें सबसे पहला शुक्र एक प्रॉपर लग्जूरियस लाइफ को बताता है ऐसे व्यक्ति का जीवन एकदम लग्जरी में रहता है उसके बाद आप देखो तो मंगल दोड़ो मंगल कमाल है अब आपका रियल स्टेट से जुड़ा हुआ कार्य है और मंगल की प्रबलता अगर किसी व्यक्ति के पर होती है तो ऐसे व्यक्ति जमीन से जुड़ा हुआ कार्य कर सकते हैं जमीन जायदाद प्लॉटिंग इन सब से जुड़ा हुआ कार्य कर सकते हैं इनको सफलता ही मिलती है तो मंगल भी आपका प्रबलतम स्थिति में है इस प्रकार की कामयाबी और तरक्की को इंडिकेट कर रहा है तो आपने जो अपने जीवन पर यह कार्य चुना है इस कार्य का जो आपने चुनाव किया है ये बहुत शानदार है और आपको इसका बेनिफिट मिलेगा डेफिनेटली मिलेगा चंद्रमा भी प्रबल है जीवन पर पैसे की फ्लो बनी रहती है और एक समय ऐसा भी आता है कि पानी की तरह पैसे आते हैं जीवन पर अगर किसी व्यक्ति का चंद्रमा प्रबल है तो ऐसे लोगों को विदेशी धरती से धन लाभ होता है पहला दूसरा जीवन यापन करने में मदद मिलता है लोगों से विशेष सम्मान मिलता है कंसल्टेंसी का कार्य कर लें लोगों से जुड़ा हुआ कार्य कर लें इस कार्य में इनको बेनिफिट मिलता है और बुद्ध पे खड़ी रेखा है दिमाग तेज है किसी भी प्रकार के व्यापार को करने के लिए आपका दिमाग का तेज होना बहुत जरूरी है अगर आपका दिमाग तेज नहीं है तो आप किसी व्यापार में आगे नहीं बढ़ सकते किसी व्यापार में तरक्की को प्राप्त नहीं कर सकते तो दिमाग तेज होना बहुत जरूरी है और बुद्ध पर ये जो खड़ी रेखा है इसका अर्थ यही होता है कि ऐसे जातकों का दिमाग बहुत तेज होता है अगर मैं भाग्य रेखा की बात कर लूँ तो बहुत शानदार भाग्य रेखा दिख रही है मुझे एकदम आला आगे भी भाग्य रेखा जीवन के अंतिम समय तक है तो भाग्य रेखा को लेकर विशेष कोई समस्या नहीं है कोई परेशानी नहीं है इस प्रकार की भाग्य रेखा अगर आप किसी व्यक्ति कहते पर अवस्थित होती है तो जातक के जीवन पर बागुदय होता है एक समय के बाद अगर कोई नेगेटिविटी ना हो तो वैसे जीवन पर धन की दिक्कत कभी नहीं होती है क्योंकि भाग्य रेखा को ही हम धन रेखा कहते हैं भाग्य रेखा से ही हम जातक के जीवन में कितने धन आएंगे कितने इनको तरक्की मिलेगी इस चीज़ का हम परिचय कराते हैं अगर आगे मैं देख लूं तो जीवन रेखा एकदम स्पष्ट दिख रही है बहुत बड़ी दिख रही है इस प्रकार की जीवन रेखा लंबी आयु प्रदान करती है तो प्लेनेटरी कंडीशंस को लेके कोई कमी नहीं है कोई परेशानी नहीं है बहुत अच्छे ग्रहों की स्थिति है इस प्रकार की स्थिति अगर आपके किसी व्यक्ति के हाथ पर अवस्थित होता है तो आप जीवन पर धन लाभ जरूर करते हैं मान सम्मान को प्राप्त जरूर करते हैं पैसा जरूर कमाते हैं धन को लेके विशेष कोई भी दिक्कतें आपको देखने को नहीं मिलती है तो ये तो थी पॉजिटिविटी अब हम बात करेंगे कुछ नेगेटिव चीज की तरफ अब ये व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार करने के लिए व्यापार की रेखा हाथ पर होना बहुत जरूरी है अगर आपके हाथ पर व्यापार की रेखा नहीं है तो आपको व्यापार में कोई खास तरक्की नहीं मिलेगी इसलिए व्यापारिक रेखा को देखना और जानना बहुत जरूरी होता है बहुत जरूरी होता है तो अब व्यापार की रेखा को हम बुद्ध रेखा कहते हैं इनके हाथ को जब हम गौर से देख रहे हैं तो यहां पर एक रेखा बन के आगे चल रही है इसी को मूल रूप से हम बुद्ध रेखा कहते हैं इसी को मूल रूप से हम व्यापार की रेखा कहते हैं तो ये विजिबल नहीं है तो जब तक व्यापारिक रेखा बहुत ज़्यादा विजिबल ना हो तब तक इसके परिणाम आपके जीवन पर बहुत ज़्यादा अच्छे देखने को नहीं मिलते हैं तो ये एक नेगेटिविटी है कि आप व्यापार कर रहे हैं और आपके हाथ पर व्यापारिक रेखा ही बहुत सक्रिय नहीं है तो ये एक प्रकार की नेगेटिविटी हो गई इसके उपरांत अगर मैं देख लूँ तो सूर्य रेखा के अभाव में जातक के जीवन में क्या समस्याएँ आती है वो आप सभी जानते हैं सूर्य रेखा मान सम्मान की रेखा होती है अगर सूर्य रेखा किसी प्रकार से आपके हथेली पर अवस्थित ना हो तो जातक को जितना मान सम्मान मिलना चाहिए उस मान सम्मान में कमी को कराता है और जीवन पर थोड़ी स्ट्रगल्स को यह इंडिकेट करता है एम डिसाइड करने में प्रॉब्लम होता है आप कह सकते हैं कि आपकी पैंतीस वर्ष की आयु है और अभी भी आ, आप असमंजस की स्थिति में हैं कि आपको क्या करना चाहिए किस किस जगह कार्य करना चाहिए और किस तरीके से कार्य करना चाहिए यह असमंजस की स्थिति मैं आपके हाथ के माध्यम से देख पा रहा हूं लेकिन एक समय के बाद आपके सूर्य पर्वत पर एक ट्रायंगल जैसी आकृति मौजूद है इस प्रकार के त्रिभुज जैसी आकृति अगर सूर्य पर्वत पर हो तो यह लगभग 40 वर्षों के बाद जीवन में खास भाग्योदय को बताता है और तरक्की को इंडिकेट करता है तो संभावनाएं हैं लेकिन इस रेखा को भी जब मैं गौर से देख रहा हूं इस चिन्ह को भी जब मैं गौर से देख रहा हूं तो इसमें भी कोई खास विजिबिलिटी मुझे नजर नहीं आ रही है तो इन सब को प्रबल करने के लिए मैं उपाय दूंगा और एक बहुत बड़ी नेगेटिविटी आपकी माइंड रेखा टूटी हुई है यह मस्तिष्क रेखा देखो यहां पर आकर रुकी फिर एक और मस्तिष्क रेखा यहां से आकर जुड़ रही है इस बीच में गैप है हालांकि जुड़ रही है प्रॉब्लम्स आते हैं प्रेशर आते हैं लेकिन यह जो आपका पैंतीस ये तैतीस ते, ते, ते वर्ष से लेकर ये जो आपका अड़तीस वर्ष तक का आयु है ये थोड़ा तकलीफ में रहता है अड़तीस चालीस तक चूंकि माइंड रेखा आपकी टूटी हुई नहीं है हल्की जुड़ी हुई है लेकिन इसको हम ब्रेक ही कहते हैं ब्रेक होके जुड़ गई है तो यहाँ बीच में धूमिल अवस्था है तो जो ताकत आपके दिमाग को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है कुछ कारण बन रहा है जीवन पर जो आपको मानसिक तनाव दे रहा है कुछ ऐसा सर्कमिस्टांसेस बन रहे हैं कुछ ऐसी स्थितियाँ बन रही हैं आपके जीवन में जो आपको मानसिक तनाव दे रहा है तो यह वाली चीजें खास करके आपके अतनी मुझे बता रही है तो आप वर्तमान समय में आपकी पैंतीस वर्ष की आयु है मूल रूप से तैतीस वर्ष की आयु से आप परस्पर तनाव में है अपने अड़तीसवें साल की आयु तक आप परस्पर तनाव में रहेंगे कोई ऐसी घटना आपके जीवन पर घटित हुई होगी कोई ऐसी समस्याएं आपके जीवन पर आई होंगी जिसने आपको बहुत तनाव दिया होगा बहुत तनावग्रस्त रखा होगा ई और रख भी रहा होगा तो इसके लिए भी जो भी सार्थक उपाय है जो आपके दिमाग को बल प्रदान कर ले कर दे उसका मैं उपाय दे दूंगा बाकी अब प्रश्न इनके थे कि आगे का जीवन कैसा रहेगा तो बड़ा बढ़िया रहेगा कार्य का चुनाव तो आपने अपने जीवन के लिए बड़ा बढ़िया किया है लेकिन हाँ व्यापारिक रेखा ना होने की वजह से और भी प्रॉब्लम्स होने की वजह से जो कि माइंड रेखा पर नेगेटिविटी है थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं तो अब आप, आप हमारे पास आए हैं तो इसका उपाय भी आपको बेशक मिल जाएगा तो आप बिल्कुल चिंतित ना रहें इस बात को लेकर अभी आपके जीवन रेखा के विश्लेषण से आगे के लाइफ को हम कवर करूंगा चीजों को स्पष्टता के साथ बताऊंगा दिखाऊंगा तो आप बिल्कुल चिंता ना करें तो अभी क्या है माइंड रेखा इनकी अलग है जीवन रेखा अलग है तो काफी इंडिपेंडेंट ख्यालात के हैं ऐसे व्यक्ति काफी स्वतंत्र स्वभाव के होते हैं स्वतंत्रता के साथ कार्य करते हैं और जीवन पर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और आप जब हमेशा स्वतंत्रता के साथ कार्य करेंगे तो संभावनाएं हैं कि आपके जीवन पर थोड़ी परेशानी आ सकती है संभावनाएं हैं कि आपके खराब समय में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है तो बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता के साथ भी कार्य नहीं करना है हालांकि आगे आपका समय बेहतर भी आने वाला है तो कोई खास दिक्कतें नहीं होंगी अब प्रारंभिक समय से ही प्रगति की रेखा थी मतलब अच्छे परिवार से हैं आप हाँ थोड़े से दिक्कत बचपन में था स्ट्रगल्स थोड़ा रहा सामान्य है पढ़ाई लिखाई में खासा इंटरेस्ट नहीं होगा एक प्रगति के योग तेईस चौबीस से थी मतलब साल के आसपास उनचालीस साल के आसपास भी है फिर एक छत्तीस में भी दिख रहा है फिर एक लगभग पचास में आगे भी जीवन रेखा लगभग एक पचपन में आगे भी जीवन रेखा पर तरक्की एक सिक्सटी में सिक्सटी के बाद भी जीवन रेखा बहुत बढ़िया है तो जिस प्रकार की आपकी जीवन रेखा है ये सामान्य तो मानी नहीं जाएगी ये आपको सफल जरूर बनाएगी और जीवन रेखा जब इतनी स्ट्रांग हो इतनी प्रबल हो तो ये इंडिकेट करता है कि जातक अपने जीवन में तरक्की को प्राप्त करते हैं सफलता को प्राप्त करते हैं अगर कोई ख़ास नेगेटिविटी हाथ पर अवस्थित ना हो तो, तो जो नेगेटिविटी है उसका उपाय तो मैं आपको दे ही दूंगा और जो पॉजिटिविटी है उसका परिणाम तो आपको जीवन पर मिलेगा ही मिलेगा आइए हम देखते हैं और चीजों पर विचार करते हैं अभी इनके के जनरल दिन की तरफ चलेंगे चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे तो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है देखे सीखे समझे तो यहां पर से आ गए स्क्वायर फार्म प्लानिटरी कंडीशन तो इनके ताकतवर स्थिति में बहुत पावरफुल ऐसे प्लेनेटरी कंडीशन हो तो जीवन पर कहाँ समस्या जीवन पर कहाँ दिक्कतें है। गुलाबी अथेली है, है, धन को अट्रैक्ट करती है बढ़िया थम्भ है तो जो भी कार्य करेंगे बड़ी ईमानदारी पूर्वक करेंगे स्ट्रांग इच्छा शक्ति है दो लाइन्स अपने लाइफ में जो भी अपने दम पर है डिजायर्स के अच्छे लाइन्स है तो बड़े महात्माकांक्षी है ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी दूर कर रहा है माइंड आपकी थम्भ इतनी बढ़िया है ना कि मैं क्या ही बताऊँ जहाँ बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं हर एक प्रकार की परेशानी को बर्दाश्त कर लेते हैं समझदारी के लोग काफी अच्छी है, है फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति दिल में कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है टेंड करी अच्छी धार्मिक आस्था सटन फिंगर लंबी है तो मेहनती ही सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है बुद्ध फिंगर फर्स्ट फलेंस तक है कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल अगर मैं आगे देखू तो थोड़े थो पारिवारिक तनाव और पारिवारिक दिक्कतों को यह बृहस्पति बताता तो है इसका उपाय दे दूंगा बाकी परोपकारी है सबके लिए करना चाहते हैं माइंड रेखा शुरुआती दौर से अच्छी थी इस बीच में थोड़ा दिक्कत था उसके बाद की माइंड रेखा अच्छी है फिर समय आएगा आपका बेहतर होगा कोई दिक्कत नहीं है हृदय रेखा बहुत ही अच्छी स्ट्रांग हृदय का मालिक है विष्णु योग का फॉर्मेशन है रूटीन को फॉलो करने वाले व्यक्ति हैं बैलेंस ठीक है दिल दिमाग के तंदुरुस्त हैं यहाँ से दबाव है तो काफी मेहनत ही जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा का साथ है तो भाग्य के धनी व्यक्ति हैं आप ये वाली भी भाग्य रेखा दिख रही है लगभग अड़तीस के बाद विशेष सक्रिय है पैंतीस से लगभग तैतीस से यह गड़बड़ हो गई थी भाग्य रेखा भी यहाँ पर से देख लो आप हल्की धूमिल थी हालांकि भाग्य रेखा दिख तो रही है लेकिन फिर छत्तीस सैंतीस से बहुत ज़बरदस्त भी दिख रही है ये त्रिभुज भी अगर सक्रिय हो जाए तो फिर मज़ा ही मज़ा है और संभावनाएं हैं कि ये सक्रिय हो सकती है कोई बड़ी बात नहीं है लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है समझदार है बुद्ध पे करी रेखा है दिमाग बहुत तेज है सनमर के अच्छे बुद्धिवेग से कार्य करते हैं दोड़ो मंगल बढ़िया है तो हाईली एनर्जेटिक है हाईली एनर्जेटिक है मंगल रेखा भी शानदार है लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग थे वो तो रहेगा मनी मैनेजमेंट प्रबल है शादी के बाद की बागुदे शुक्र बहुत प्रबल है प्रॉपर लग्जूरियस लाइफ थोड़े स्ट्रेस का योग थे थोड़ा स्ट्रेस को ये बताते जरूर है शुक्र मंगल प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ तो रहेगी जबरदस्त दिख रही है आपकी भाग्य रेखा चंद्रमा से जा रही है फायदा तो मिलेगा रेखा विजिबल हो जाए तो फिर तो क्या ही कहने संभावनाएं हैं आगे वाले समय में विजिबल हो जाए यहाँ पर भी एक त्रिभुज जैसी आकृति बनी है ये भाग्य रेखा के साथ तो ये त्रिभुज क्या इंडिकेट करती है ये आपके जीवन में बल्क में पैसे को इंडिकेट करती है प्रॉपर्टी को इंडिकेट करती है चंद्रमा बढ़िया है जीवन में जब भी पैसे की आवश्यकता हो आ ही जाएगी धन को लेकर वैसे दिक्कतें नहीं रहती तो यह था इनकतली का पूर्णता विश्लेषण अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है लाइक कर दे कमेंट कर सब्सक्राइब कर दे अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र अस्त्र का दिखाकर सही जानकारी पाना चाहते हैं हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लेके आप संपर्क कर सकते हैं धन्यवाद